सलाम रॉकी भाई, KGF चैप्टर 2 को रिलीज हुए अभी सिर्फ और सिर्फ एक दिन हुआ है और इसने ऑलरेडी RRR का बॉक्स ऑफिस ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मतलब हम सोच सकते हैं कि मूवी कितनी बड़ी होने वाली है। और इसकी कहानी तो खैर लाजवाब है ही। KGF 2 मैंने अभी नहीं देखी है क्योंकि मुझे अभी तक टिकट नहीं मिली, बट अगर आपने देखी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। KGF 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे KGF एक पैन इंडिया मूवी बन गई, कैसे KGF को लोगों ने इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, यश जो कि एक नया नाम थे उनको एक्सेप्ट कर लिया। करते हैं बात है सन 2018 की, जब प्रशांत नील जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं और राइटर हैं, इन्होंने पहले से ही, इस टीम ने पहले से ही सोच रखा था कि ये मूवी हम पैन इंडिया रिलीज करेंगे। हालांकि प्रशांत नील इस चीज़ पर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि वो जानते थे कि यश जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के एक एक्टर हैं और पता नहीं पैन इंडिया लोग उनको एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं, और इस चक्कर में कहीं मूवी फ्लॉप ना हो जाए। ये सब उनकी उनकी चिंताएं थी कि भाई पता नहीं कैसा रिसेप्शन रहेगा। लेकिन सिर्फ यश थे और कुछ लोग थे टीम में जो मेकर्स में थे, उनके पास ये विजन था, स्पेशली यश के पास ये विजन था क्योंकि वो जानते थे, उन्हें लगता था, उनको विश्वास था कि ये मूवी एक मैसिव मैसिव हिट होने वाली है और इसको पैन इंडिया रिलीज करना चाहिए। तो 2018 में जब मूवी कन्नड़ में बनकर तैयार हुई तो उसका एक छोटा सा कट लेकर वो अनिल थडानी के पास गए डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए। तो अनिल थडानी ने जब इस मूवी को देखा और उन्होंने इसको समझने की कोशिश की तो वो इतने ज़्यादा मेस्मराइज हो गए, एंड आई वुड से थैंक यू टू हिम कि उन्होंने उसमें उस मूवी का पोटेंशियल उस वक्त पे देख लिया और उन्होंने सीधा बात की एक्सेल एंटरटेनमेंट से, जो फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी है, और उन्होंने बात की और उन्होंने बोला कि आप एक बार इस मूवी को देखें ज़रूर और फिर बताएं कि कैसी लगी। और जब उनकी टीम ने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यानी KGF 1 जब देखी, उसी वक्त उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इस मूवी को पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये चीज़ भी सोची कि अगर उसको ठीक से पिच करते हैं, अच्छे से पिच करते हैं, तो इसको लोग देखेंगे और लोगों की नज़र में आएगी। और तभी ये भी डिसाइड हुआ कि मौनी रॉय का वो आइटम सॉन्ग गली गली में इसमें डाला जाए ताकि जो नॉर्थ इंडियन व्यूअर्स हैं वो थोड़ा कनेक्ट कर सकें, वो थोड़ा अट्रैक्ट हो सकें, उनको थोड़ा पता चल सके इस मूवी के बारे में। और तभी उसी वक्त पर जाकर फिर कुछ टाइम के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया गया और उनको उनको इस मूवी से उनके द्वारा इस मूवी को प्रमोट करवाया गया। तब जाकर KGF चैप्टर 1 जो है पैन इंडिया रिलीज हुई और इसका रिसेप्शन बहुत बहुत अच्छा रहा। ये जो फॉर्मूला है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का, ये पहले भी बाहुबली में देखा गया था और ये बहुत सक्सेसफुल रहा था बाहुबली वाले फ्रेंचाइज में। इसीलिए फिर इसको, जो कि पहले KGF सिर्फ एक ही मूवी थी, फिर इसको जब ब्रेक डाउन किया गया तो इस चीज़ को ध्यान में रख के किया गया। बट उस वक्त पर भी क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं था कि यश की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है या यश बहुत अच्छे लग रहे हैं या बॉम्बे वाला एंगल है या वो मुंबई के एंग्री यंग मैन टाइप्स लग रहे हैं, इसलिए था क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है। आप समझ रहे हैं कि कैसे एक कर्नाटका में बनी हुई मूवी, कन्नड़ लैंग्वेज में बनी हुई मूवी, कैसे धीरे धीरे वो पूरी इंडिया में फैल गई और अंडरस्टैंड कि कैसे कहानियाँ लोग लिख रहे हैं और ये कहानियाँ बॉलीवुड में क्यों नहीं लिखी जा रही हैं, यहाँ पर लोग इतना एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों, वाई जस्ट द रीमेक्स, वाई नॉट एन ओरिजिनल स्टोरी। आई वॉन्ट टू सी वॉट द राइटर्स कैन डू इन बॉलीवुड। बहुत सारे राइटर्स हैं जो कर भी रहे हैं, ये जो नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग और नैरेटिव वाला ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, ये कोई नया नहीं है, ये बाहुबली में भी था। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग में क्या होता है कि आप एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में फिर तीसरे पोर्शन में, इस तरीके से कुछ मतलब कोई सीक्वेंस नहीं होता कि ऐसे चलती जा रही है लाइफ। लेस VFX मोर रियल लोकेशंस वाला फॉर्मूला था। कहानी बहुत ज़्यादा दमदार थी, वो अंडरडॉग की कहानी से वो कैसे एक एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन बन जाता है, कैसे लोगों का मसीहा वर्ड यूज़ किया गया, मसीहा बन जाता है। मुझे पर्टिकुलरली इस मूवी में जो एक कैरेक्टर था KGF 1 में, वो स्टोरी टेलर जो KGF माइंस में था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसकी जो एक पोएट्री थी और उसका कहानी सुनाने का अंदाज था, आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट लाता है व्यूअर के मन में और उसकी थॉट्स में। तो ऐसा कैरेक्टर एक होना, कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्लेस करना है, कैसे कैसे करना है, वो आई थिंक इट्स अमेजिंग टू सी कि कैसे क्रिएटिविटी कहाँ कहाँ डाली गई है। प्रशांत नील ने बहुत उम्दा काम किया है और मैं खुश हूँ कि आने वाले टाइम में प्रशांत नील प्रभास को लेकर सलार लेकर आ रहे हैं एक मूवी, और उसके बाद NTR को लेकर भी एक मूवी बन रही है, जूनियर NTR को लेकर। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड आई एम होपफुल कि ऐसा ही कॉन्टेंट हमारे पास आता रहेगा, अच्छा अच्छा कॉन्टेंट हमें और देखने को मिलेगा। तो
प्लीज़ लैंग्वेज बैरियर को ना आने दें बीच में, अच्छा कंटेंट ज़रूर देखें, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा दिमाग खुलता है, बहुत कुछ हम आगे कर पाते हैं, लिख पाते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर के बारे में। तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिसका नाम है स्टोरीफाइंग शिट।